हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आप लोगों को, कुछ बात मुझे करनी थी आप लोगों से डिस्कस। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल में जो मेरा उसमें जो मैं आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन का एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, अकाउंट्स का ही नहीं सभी का बना के रखा है मैंने। डिमांड इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग चैप्टर हैं उसके, जैसे कि डिमांड का है, सप्लाई का है और मार्केट का है और शायद कॉस्ट और प्रोडक्शन का भी है। तो मैंने जो हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो जब भी हम उस चैप्टर प्लेलिस्ट को खोलोगे तो उसमें सारे टॉपिक आपको मिलते जाएंगे। वैसे मैंने अकाउंट्स का भी प्लेलिस्ट अभी बनाया है रिसेंटली, तो वहां पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी मैं अकाउंट्स में आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो मैं ओनली रिलेवेंट टॉपिक को वहां पर डिस्कस कर रही हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी कौन कौन सा एग्जाम, जैसे कि 11th 12th के जो 3 मंथली 6 मंथली 12 मंथली और जो एग्जाम एमपी बोर्ड हुआ, उसके बाद जो 12th के बाद के एग्जाम्स होते हैं बीकॉम बीबीए एमबीए एमकॉम, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको प्लेलिस्ट में बता रही हूँ। अननेसेसरी क्वेश्चंस या जो समझने उतने लायक नहीं है समझने वाले, वो सब मैं आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत ज्यादा रिलेवेंट है जो एक्चुअली भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, वही पॉइंट को मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ और वही वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। तो आपको कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है, सारी वीडियो को देखना, क्योंकि सारी ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस सभी वीडियो में मैंने इजी वे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, और जहां तक है मैं एक ही पॉइंट को 3 से 4 बार रिपीट भी करती हूँ और 2 से 3 बार रिवाइज भी करवाती हूँ। तो एट द एंड ऑफ वीडियो तक आपके वो माइंड में फिट हो जाना चाहिए टॉपिक, इतना सभी को क्लियर होगा। तो कोई भी प्लेलिस्ट खोले तो उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। अब बहुत ज्यादा बात हो गई है हमारी, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, जब सबसे पहले हम अकाउंट्स में आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है कि अकाउंट्स मतलब कैसे समझे कि हमें कौन सा अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट है बेसिकली हमारा पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट है हमारा पर्सनल, सेकेंड है हमारा रियल अकाउंट जिसे हम इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट या फिर जिसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। सेकेंड के रियल और इम्पर्सनल दो नाम होते हैं। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो पर्सनल अकाउंट जो है वो नाम से ही पहले क्लियर है कि देखो पर्सनल मतलब हमारा खुद का पर्सनल, आपका खुद का पर्सनल, किसी थर्ड पर्सन का खुद का पर्सनल, किसी थर्ड पर्सन का खुद का पर्सनल, मतलब जैसे राम का अकाउंट हुआ, श्याम का अकाउंट हुआ, सीता का, गीता का, रीता का, विनीता का, बबीता का, वो सारे अकाउंट्स जो किसी मैन, किसी पर्सन, किसी फीमेल या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंडिविजुअल हुआ, कोई फर्म हुई, जैसे साईराम फर्म है ना, और कोई भी फर्म, एक्स वाई जेड फर्म है ना, शर्मा एंड संस, कोई भी फर्म जो है उनका अकाउंट हुआ है ना, वो सारे अकाउंट जो होते हैं पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिसमें देखो आप कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है, कोई भी फर्म इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है, किसका, कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है, कोई भी फर्म इंडिविजुअल का अकाउंट हो सकता है या कोई भी कंपनी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि सीता गीता बबीता ये सारे अकाउंट, राम श्याम ये सारे अकाउंट आना चाहिए, फिर यहाँ पर फर्म और कंपनी को शामिल क्यों किया गया है, कोई बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है कोई भी फर्म और जो कंपनीज होते हैं इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। अब जब हमने कंपनीज पढ़ा तो वहां पर हमने ये समझा था कि कंपनी जो है अपने आप में खुद एक पर्सन होती
जैसे कि हम जब बोलते हैं कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति का कोई भी लफड़ा होता है, कोई भी गलत क्लेम होता है, कोई भी कंपनी के साथ धोखा करती है, तो वो केस किसी कंपनी के पर्सन पे नहीं कर सकता, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है, पता है। अगर कोई भी कंपनी किसी पर्सन के साथ कुछ गड़बड़ करती है तो वो उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय, किसी मैनेजर, किसी मैनेजमेंट के पर्सन पर केस नहीं करेगी, कंपनी खुद पर, कंपनी खुद पर वो केस करती है, कोई भी पर्सन कंपनी के नाम पर केस करेगा, कोई भी नाम, जैसे कि केक में है मान लो, है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा है कि अगर कोई भी कंपनी किसी पर्सन के साथ कुछ गलत करती है या उनको कोई चीट करती है तो वो पर्सन उस कंपनी के लिए केस कर सकता है, बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी फॉर्म, वो भी क्या है, खुद की आइडेंटिटी है, इसके बता डेटर क्रेडिटर, तो ये मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी कोई सीता गीता राम, है ना, तो ये सारे जो होते हैं राम श्याम, तो ये जो है ये सारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर से देखो, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो पर्सन खुद पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, या कोई इंडिविजुअल, या फिर कोई इंडिविजुअल फर्म, या फिर कोई कंपनी, है ना, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर डेटर, डेटर और क्रेडिटर, ये तो सभी को पता है आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा, डेटर और क्रेडिटर तो खुद ही इंडिविजुअल होते हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड है ना, तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म, ये जो होते हैं अकाउंट वो कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। फिर से एग्जाम्पल क्या है, इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी, या फिर डेटर और क्रेडिटर, ये कौन होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। आई थिंक तो सभी को मैंने 3-4 बार रिवाइज करवा दिया है तो यार हो गया होगा। सेकंड, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। रियल और इम्पर्सनल अकाउंट में आता है व्हिच आर नॉट पर्सनल, ऑब्वियसली जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है, पर्सनल का अपोजिट तो इम्पर्सनल होता है ना, ठीक है, तो जो पर्सनल नहीं है वो कौन से है, इम्पर्सनल अकाउंट है, जिसमें आता है मशीनरी, कैश और रेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, पर्सनल नहीं, वो ज्यादा, या फिर इसमें हम वो सारी चीजें जैसे कि एसेट्स वगैरह हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं, है ना, कैश रेंट कोई एसेट हुई वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना, तो ये कौन से अकाउंट होते हैं, हमारे रियल अकाउंट होते हैं। रियल में कौन कौन से आ रहे हैं, एसेट्स लाइक मशीनरी बिल्डिंग, है ना, फिर इसके बाद आता है कैश रेंट, ये सारी चीजें किसमें आती है, रियल अकाउंट में आती है। फिर आता है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं व्हिच इज रिलेटेड टू एक्सपेंस लॉसेस गेन्स एंड रेवेन्यू, व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स और रेवेन्यू, ये चार है, जैसे सैलरी परचेज सेल और इंटरेस्ट और कमीशन, परचेज सेल्स इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, ये सारे किसमें आते हैं, नॉमिनल में आते हैं, ठीक है, जो पर्सनल भी नहीं है रियल भी नहीं है वो नॉमिनल में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर। पर्सनल में कौन कौन से आते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर, क्रेडिटर्स, ये कौन से हुए, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो पर्सनल नहीं होते हैं, जो पर्सनल नहीं मतलब इम्पर्सनल, जैसे एसेट्स रेंट कैश, वो क्या हुआ, रियल अकाउंट यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल भी नहीं है और इम्पर्सनल भी नहीं है वो कौन से होते हैं, नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स रेवेन्यू, एक्सपेंस लॉस गेन्स रेवेन्यू, कौन कौन से, एक्सपेंस लॉसेस गेन्स और रेवेन्यू, दैट इज नॉमिनल। फिर से पर्सनल इंडिविजुअल, पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल, कंपनी फर्म
डेटर और क्रेडिटर। पर्सनल कौन से हुए? इंडिविजुअल, फर्म, डेटर, क्रेडिटर और कंपनी। फिर सेकंड जो कि पर्सनल नहीं है वो होते हैं इम्पर्सनल या फिर रियल, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कैश या फिर रेंट, जो कि हमारे एसेट्स या फिर एसेट्स। फिर आता है नॉमिनल, जो ना तो पर्सनल है ना फिर रियल है, यानी कि इम्पर्सनल भी नहीं है। वो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे नॉमिनल, जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस और रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस और रेवेन्यू, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल सैलरी, परचेज, सेल्स, कमीशन, इंटरेस्ट, इटीसी। तो ये हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि 3 टाइप से था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो 3 टाइप से थे वो कौन से थे? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल था इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, डेटर और क्रेडिटर। रियल या फिर इम्पर्सनल अकाउंट थे हमारे मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, रेंट, इटीसी या फिर एसेट्स। फिर था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से थे हमारे? जो ना तो पर्सनल है ना इम्पर्सनल है, वो हमारे नॉमिनल है, जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस, रेवेन्यू। ये हमारे कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, वो सारी चीजें। ओके, थैंक यू।